अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जावेद ख़ान आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से YouTube की वीडियो के लिए ऑटोमेटिकली टैग्स जनरेट कर सकते हैं, और दोस्तों हम क्यों ऑटोमेटिकली टैग्स जनरेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इससे तो एक हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो टाइम है वो कंज्यूम नहीं होता, और दूसरा फ़ायदा इससे हमें ये होता है कि जब भी हम टैग्स अपनी वीडियोज़ में ऐड कर देते हैं मैनुअली, तो उसमें हमारे साथ कुछ टैग्स हमसे रह जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑटोमेटिकली टैग्स को जनरेट कर देते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टैग्स जो है कॉपी करके अपनी वीडियो के साथ उसकी जो टैग एरिया है उसमें डाल देते हैं, तो हमारे साथ वो इम्पॉर्टेंट टैग्स हमारे साथ ऐड हो जाती है और हम खुद से भी उसमें ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ टैग्स। तो बहुत ही कमाल की फ़ीचर है। हम वेबसाइट के ज़रिए, कोई सॉफ्टवेयर के ज़रिए, बहुत सारे टूल्स हमारे साथ मौजूद है जिसके ज़रिए हम वीडियो के लिए जो है मुख्तलिफ टैग्स को जनरेट कर सकते हैं। तो अभी इसी वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वीडियो के लिए जो है टैग्स को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब की बटन पर और बिल के आइकन पर प्रेस करके आप हमारी यूट्यूब की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि किस तरह से वेबसाइट के ज़रिए हम यूट्यूब की वीडियो के लिए टैग्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक वेबसाइट मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हम उसके लिए टैग्स जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे साथ एक वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को अगर मैं अपलोड करना चाहूँ तो उसके लिए मैं किस तरह से यहाँ पर टैग्स जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ एक वेबसाइट मौजूद है, यहाँ पर मैं सर्च कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं rapidtags.io। ठीक है, तो इस वेबसाइट को मैं ओपन कर दूंगा और यहाँ पर इस जो मेरे साथ ये वीडियो है, ठीक है, उसकी टाइटल को मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा। जो भी टाइटल आपने अपनी वीडियो के लिए रखा है, तो उस टाइटल को आप कॉपी करके यहाँ पर अपनी इस वेबसाइट में डाल दें। ठीक है, और इसको सर्च कर दें, तो ये आपके लिए जो है टैग्स जनरेट कर देगा इसी कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारी टैग्स जो है आपके लिए इस वेबसाइट ने जनरेट कर दिए। ठीक है, अगर अभी इस वेबसाइट में कोई भी टैग्स आपको पसंद नहीं, तो यहां से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं चाहता हूं कोई टैग्स जो है उससे रिमूव करना चाहूं, तो यहां से इस क्रॉस की बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा और उस टैग्स को यहां से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे ख्याल में ये टैग्स तो सारे बहुत ही जबरदस्त है, तो इससे मैं रिमूव नहीं करना चाहता कोई भी टैग्स। अगर आप कोई टैग रिमूव करना चाहते हैं, तो यहां से इसी तरह आप रिमूव कर सकते हैं। इस क्रॉस की बटन पर आप क्लिक करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा और एक और टैग जो है आपकी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस टैग्स को, सारे टैग्स को जो है कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कॉपी टैग, तो यहाँ पर इस कॉपी टैग पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये कॉपी हो गया, और यहाँ से यहाँ पर अपनी टैग एरिया में पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी के जरिए। तो ये आप देख सकते हैं वो सारी टैग्स जो है हमारे साथ यहाँ पर आ गई। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ही आसान है, बहुत ही क्विकली आप अपनी वीडियो के लिए जो है ऑटोमेटिकली टैग्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप अपने लिए खुद से टैग नहीं जनरेट कर सकते, ये कितना आसान तरीका है और कितना बेहतरीन तरीका है। तो यहाँ पर आप उसके साथ जो है डिस्क्रिप्शन ऐड कर दोगे और सिंपली यहाँ पर आप पब्लिश कर दोगे इसी वीडियो को। यहाँ पर मैं उसके साथ टैग, यहाँ पर उसके साथ मैं एक थंबनेल को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन मैंने इसके लिए बनाई है, तो उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ और डायरेक्टली पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी फोल्डर में, इस वीडियो की फोल्डर में जाता हूँ और उसकी जो फाइल है उसको मैं यहाँ से उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने उसको कॉपी कर दिया और इसको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एरिया में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ डिस्क्रिप्शन हो गई। यहाँ पर अगर अभी आप कोई और टैग्स ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं ऐड। ठीक है, यहाँ से मैं इस थ्री लाइन जो है हमारे साथ यहाँ पर इस टैग्स को भी मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, ये एक ही लाइन में ऐड हो गई, तो वन बाय वन उसको कॉपी कर देते हैं और उसको डाल देते हैं। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर दिया और इसी तरह यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये एक टैग हो गया, ये हमारे साथ दूसरा टैग हो गया। ठीक है,
यहाँ से दूसरा टैग हो गया, यहाँ से हमारे साथ वो तीसरा टैग हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई और टैग्स भी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप बहुत ही आसानी से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ टैग जो है टू लॉन्ग हो गए, तो यहाँ से मैं कोई एक जो है टैग को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से अभी देखते हैं उसको, यहाँ से एक और टैग भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ बहुत ज़्यादा टैग्स हो गई, तो यहाँ से देखते हैं कुछ और टैग्स रिमूव कर देते हैं, तो अभी ठीक हो गया, ठीक है। ये हमारे साथ कंप्लीट हो गए, उसके टैग इससे ज़्यादा अगर आप टैग डालोगे तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। यहाँ से मैं उसके लिए प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं उसकी क्रोम एक्सटेंशन या क्रोम ट्यूटोरियल को प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, और यहाँ से अभी मैं उसको पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। ये अभी मैं पब्लिश कर दूँगा, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल के और बहुत ही ज़बरदस्त टैग जनरेटर हमारे साथ मौजूद है। इस वेबसाइट के ज़रिए आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी यूट्यूब की वीडियो के लिए जो है टैग जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारी यूट्यूब की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।